I think, हाँ, थर्टी फर्स्ट दिसंबर मेरे लिए हमेशा एक बहुत स्पेशल डे रहता है. नॉट जस्ट बिकॉज सब लोग पार्टी करते हैं और साल का आखिरी दिन होता है, बट बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि एक आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी अगर 31st को मिलती है कहीं परफॉर्म करने के लिए, तो वो बहुत स्पेशल बात होती है. एंड इस साल मैं फिर से स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हूँ टू से बाय बाय टू दिस ईयर एंड वेलकम द न्यू ईयर 2019. एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड टू बी डूइंग माई फेवरेट थिंग साल के अंत में और नए साल के फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स में. तो किस तरह का साल रहा है आपके लिए 2017? 2017 मेरे लिए, आई मीन इट्स बीन अ ब्यूटिफुल 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 ईयर. अ लॉट हैज़ चेंज्ड. आई हैव इवॉल्व्ड एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. आई हैव डन सम अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, रिलीज सम रियली स्पेशल सॉन्ग्स इंडिपेंडेंटली, एंड मेड सम अमेजिंग फ्रेंड्स एंड मेड सम ब्यूटिफुल मेमोरीज. एंड आई थिंक हर साल आप मेमोरीज याद रखते हैं और अगले साल में उनके साथ स्टेप इन करते हैं. कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आप पिछले क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर अपने पिछले कुछ वर्षों में मनाया हो? वेल एक्चुअली लास्ट ईयर न्यू ईयर पे शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कहीं परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो आई थिंक वो भी अपने आप में एक बहुत नई फीलिंग थी और बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी. वो इसलिए क्योंकि मैं फैमिली के साथ थी और हमारे सभी दोस्त लास्ट ईयर बिकॉज डीमोनेटाइजेशन हो गई थी तो बहुत लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे हमारे दोस्त सब लोग घर पे आए और हमने एक बारबेक्यू किया. And my dad made sure that he cooked some amazing food and karaoke kiya humne. And I think there were so many people and there were so many censored moments from that night. It was a lot of fun. So I think again a lot of memories. To koi favorite karne wale is baar agar saal ki baat kare bahar perform karte india se bahar aap kahan pe is saal karne wale ki india se bahar jana to zaruri nahi hota hai but kahan rahe jana chahiye kahan pe kar rahe hain. मैंने बहुत जगहों पे परफॉर्म किया है. मैंने इंदौर में परफॉर्म किया है, मैंने गोवा में एक यू नो शिप पे परफॉर्म किया है नए साल में. घुमा लो यार ये, फिर दोबारा देख लेंगे नहीं तो ठीक है. मैंने बहुत अलग अलग जगह परफॉर्म किया है न्यू ईयर्स पे. मुझे लगता है वो जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं. चाहे मैं मुंबई में परफॉर्म करूँ या कहीं भी, बट इस क्लब एंड आई एम होपिंग दैट इट विल बी ऑसम. एक्चुअली एवरीथिंग दैट्स फन, यू नो मैं वही गाने हमेशा हर कॉन्सर्ट में चूज़ करती हूँ जो मैं एज एन ऑडियंस सुनना पसंद करती हूँ. सो दैट्स माई बेसिक एजेंडा एंड दैट्स व्हाट एवरीबडी इन कोलकाता विल हियर दिस ईयर. तो कोई फेवरेट गाना और पंजाबी गाना ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो बना के रखा नया गाना ना हो नए साल पे, ऐसा हो नहीं सकता. नहीं वो तो मैं होने भी नहीं दूंगी कि पंजाबी गाना कोई ना बजे, चाहे वो कोलकाता हो चाहे बनारस हो, बिकॉज मैं एक पंजाबी कुड़ी हूँ. और हालांकि मैं सभी लैंग्वेजेस में गाती हूँ रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन अभी अभी टी सीरीज मिक्स टेप पंजाबी का एक मेरा गाना रिलीज़ हुआ है जिसमें मैं और हरभजन मान साहब बहुत मस्ती कर रहे हैं और वही मस्ती आपको सुनाई भी देती है गाने में और दिखाई भी देती है. एंड द मैशअप इज़ कॉल्ड गल्ला गोरियां, जो उनका गाना है मैश्ड अप विद आजा सोनिए, एंड इसे प्रोड्यूस किया है अभिजीत हुआ है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल द लव एंड ऑल द रिव्यूज, अमेजिंग रिव्यूज आर कमिंग फॉर दैट सॉन्ग. तो जाहिर सी बात है वो गाना होगा. और नए साल में जाते ही पहले हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद, एक्चुअली सेकेंड वीक में, मैं एक और सिंगल रिलीज़ करने वाली हूँ. सो उसमें भी एक थोड़ा सा पंजाबी तड़का है. एंड पार्टी सीजन चल ही रहा है ऑल द वे अप टिल मार्च अप्रैल, तो टारगेटिंग ऑल ऑफ दैट. कौन सा ऐसा गाना है जिसने आपको, पहला गाना लाइफ का जिसने आपकी ज़िंदगी बना दिया, मतलब पहला जिसको कहते हैं कि एक पहचान बने आपकी बॉलीवुड, कौन सा गाना था? मतलब क्या कहना, क्या बनना चाहते थे आप? हाँ, क्या बनना चाहते थे और सिंगिंग में आना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? ये तो दो अलग क्वेश्चन हो गए. पहला कि पहले क्या बनना चाहते थे, सिंगिंग में आए तो पहला कौन सा गाना जिसने आपकी लाइफ लाइन बदल दी? सबसे पहला गाना आई थिंक जिसने एक टर्निंग पॉइंट जो बना था मेरी लाइफ में वो था दिल विच लग्या वे फ्रॉम चुप चुप के. प्रियदर्शन साहब की फिल्म थी, हिमेश रेशमिया जी का म्यूज़िक था और हालांकि उसमें लाइनें बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद में एक्चुअली एक पूरा यू नो एक सीरीज ऑफ सॉन्ग रिलीजेस शुरू हुआ. एंड या सो दैट यू कैन से वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट.
यहाँ बहुत मच्छर हैं। चाहती थी मैं क्या बनना चाहती थी, वो हमेशा से एक सिंगर ही बनना चाहती थी। आई नेवर गेव माई सेल्फ एनी अदर ऑप्शन। सो या आपने कहा हर लैंग्वेज में गाती हूँ, पंजाबी में कितना मजा आता आपको कि पंजाबी के गाने सुनने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, पंजाबी गाने का एक अलग ही मजा होता है पॉप का, क्या कहना चाहेंगे? और आप कितना मजा करते हैं पंजाबी गाने जब गाते हैं दर्शकों के बीच पहुँचते हैं? मैं एक्चुअली सी आई लाइक आई सेड आई सिंग इन मेनी मेनी लैंग्वेजेस। मैंने मराठी में गाया है, मैंने बंगाली में बहुत फिल्मों में गाया है, तो मुझे गाने से प्यार है। अब मैं कौन सी लैंग्वेज में गा रही हूँ रियली डज नॉट मैटर। कोई ऐसा गाना डेलीगेट करेंगे 31st के लिए अपने फैंस के लिए, कोई गाना? सो मेरा मोस्ट रिसेंट रिलीज जो गल्ला गोरियां एंड आजा सोनिया का मैशअप है, मैं वो आपके लिए कुछ लाइन्स डेफिनेटली गाऊंगी। जलवा तेरा जलवा जैसे तूफान है जाना, चेहरा तेरा चेहरा मेरी पहचान है जाना, ओ गल्ला गोरियां ते विच टोए असी मर गए नी ओए होए दुहाए पै गई कुड़ी कड के काल जा, कड के काल जा ले गई ये गल्ला गोरियां ते विच टोए असी मर गए नी ओए होए। हाय, मैं हूँ आकृति कक्कड़ और आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आपका नया साल बहुत ही खूबसूरत, सेफ और सक्सेसफुल रहे।